जीवन में आवश्यक है संतुलन। सफल जीवन का कोई परिभाषा नहीं है। कैसा जीवन आनंदमय होता है इसके संबंध में अनेक मत है। कोई ये नहीं कह सकता है कि जीवन के संबंध में उसका मत ही सबसे अच्छा है और पूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीता है। किसी का जीवन खुशहाल और आनंदमय होता है तो किसी का दुखदायी। कोई अत्यधिक अनुशासन अधिक तप वाले जीवन का अच्छा कहता है तो कोई खाओ पियो मौज उड़ाओ वाली प्रवृत्ति वाले जीवन को। एक संतुलन और अनुशासन वाला जीवन ही परिपूर्ण जीवन कहा जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध के मुताबिक ऐसा जीवन सबसे अच्छा है। गौतम बुद्ध एक राजकुमार सोन से दीक्षा ली और अत्यधिक कठोर अनुशासन और तप का जीवन गुजारने लगा। इससे उनका शरीर सूख गया। शरीर के नाम पर हड्डियां का ढांचा ही बचा था। बुद्ध को लगा कि सोन का ये हालत उनकी कठोर तपस्या के कारण है। उन्होंने सोन से कहा, मैंने सुना है तुम सितार बहुत अच्छा बजाते हो, क्या तुम मुझे सुना सकते? सोन ने कहा, आप अचानक क्यों सितार सुनना चाहते? बुद्ध ने कहा, न सिर्फ सुनना चाहता हूँ बल्कि सितार के बारे में जानना भी चाहता हूँ। मैंने सुना है यदि सितार के तार बहुत ढीले हो या बहुत कसे हुए तो उसमें संगीत पैदा नहीं होता। सोन ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यदि तार अत्यधिक कसे होंगे तो टूट जाएंगे और यदि ढीले होंगे तो सर बिगड़ जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो सितार के तार का नियम है वही जीवन का भी नियम है। मध्य में रहो, न अधिक भोग की अति करो न तप की। बुद्ध की प्रेरक बातें सोन को समझ में आ गया। अति सर्वत्र वजेत, संतुलन आवश्यक है। शरीर के धर्म का पालन करना आवश्यक है। वेद में कहा गया, जीवन का निर्माण और विनाश दोनों हमारे हाथ में है। निर्माण करने का बेहतर तरीका क्या है, इसे जो जानता है उसका जीवन दूसरे के लिए प्रेरक बन जाता है। जीवन रूपी सितार से मधुर संगीत तभी बजता है जब जीवन रूपी सितार के तार ना कसे हो ना ढीले हो। जीवन में हर चीज का संतुलन हो। क्षमता से अधिक सम और आलस में पड़े रहकर कुछ भी ना करना दोनों ठीक नहीं। अध्यात्म जीवन का संतुलन करता है, ऐसे जीवन का निर्माण करता है जो स्वयं के लिए सर्वोत्तम होता है और दूसरे के लिए प्रेरक। जीवन रूपी सितार से निकले मधुर स्वर स्वयं को प्रिय लगते और दूसरे को आकर्षित करते। ऐसे जीवन के प्रति लोगों में आकर्षक होता है। जीवन रूपी पथ के हम यात्री हैं। हमारे यात्रा तभी सफल और मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होगा जब हम सावधानी से यात्रा करेंगे। सड़क के किनारे बोर्ड पर जगह जगह लिखा होता, सावधान हटी दुर्घटना घटी। ये सावधानी अत्यंत आवश्यक है। ये तभी होगा जब हमारे जीवन में संतुलन होगा। ये संतुलन जीवन संबंधी नियमों का पालन करने से आएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड नियमों से संचालित है। नियमों का पालन करना जरूरी है। हमें स्वयं व्यवस्थित रहकर अपने कर्म करने चाहिए। ये सबसे बड़ा नियम है। यही आध्यात्मिक जीवन है। जबरन भूखे प्यासे रहना और शरीर को जंजर करना आध्यात्मिक जीवन नहीं है, बिल्कुल नहीं है।